तो पूरा देश इस वक्त कृष्णमय होता हुआ नजर आ रहा है। अजन्मे के जन्म की तैयारियां पूरा देश ने कर ली हैं, साथ ही साथ जो भव्य तस्वीरें आ रही हैं वो मथुरा वृंदावन की। हमारे साथ कई खास मेहमान भी होंगे, साथ ही साथ हमारे संवाददाता भी होंगे। हमारे साथ मनीष जुड़ चुके हैं, इसके साथ ही ललित हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से हमें तस्वीरें दिखाएंगे। आप दोनों के पास भी आएंगे क्योंकि हर तरफ भव्य तस्वीरें काना की आज हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन कृष्ण धुन किस तरीके से देश भर में गूंज रही है ये भी अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। देश के कोने कोने में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियों की धूम है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। पंचांग के अनुसार ये शुभ तिथि तो कल से ही शुरू हो गई और आज भी शाम तक रहेगी, लेकिन आज उदया तिथि होने के कारण मथुरा वृंदावन से लेकर देश के तमाम मंदिरों में श्री कृष्ण जन्मोत्सव आज मनाया जाएगा। लिहाजा मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर, स्कॉन टेम्पल और दिल्ली मुंबई से लेकर तमाम जगहों पर श्री राधा कृष्ण मंदिर में आज किशन कन्हैया के जन्मोत्सव की तैयारियां देखी जा रही हैं। इस सिलसिले में मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में आज तड़के मंगला आरती की गई, वहीं दिल्ली और नोएडा में स्कॉन टेम्पल्स में भी सुबह से ही मंगला आरती और तुलसी आरती में भक्तों ने हिस्सा लिया। देश के दूसरे इलाकों में भी राधा कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी पर कल से ही खास रौनक देखने को मिल रही है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि की रात को हुआ था, तो कुछ लोग मुहूर्त की वजह से इसको कल मना चुके हैं और कुछ आज मनाने वाले हैं। ये 6 तस्वीरें अलग अलग जगह की बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर पूरे देश भर में उत्साह का माहौल है। मथुरा का नजारा सबसे ज्यादा अद्भुत होता है। कृष्ण जन्मभूमि पर खास तैयारी की जाती है और लाखों श्रद्धालु वहां हर साल पहुंचते हैं दर्शन पूजन के लिए। दिल्ली से भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें आ रही हैं। स्कॉन टेम्पल्स में तमाम व्यवस्था की जाती है पहले से ही और उसके बाद श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होता है। मुंबई से दही हांडी की तस्वीरें जो सबको अपनी तरफ आकर्षित करती हैं वो तस्वीरें भी सामने आई हैं, कुछ इलाकों से आनी बाकी हैं। इसके अलावा उदयपुर और बद्रीनाथ की तस्वीरें भी अपने आप में बेहद खास हैं। अब आपको लिए चलते हैं मथुरा, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि की अद्भुत छटा बिखरी हुई है। भव्य और दिव्य तरीके से जन्मभूमि को सजाया गया है। तो ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, मथुरा से तस्वीरें सामने आई हैं। मथुरा में चौक चौराहों से लेकर मंदिर की छटा देखते ही बनती है। बहुत पहले से ही तैयारियां की जाती हैं, पुलिस प्रशासन भी वहां पर मुस्तैद रहता है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये जेल बनाई गई है, श्री कृष्ण जन्मभूमि के अंदर एक जेल है जो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कटआउट द्वारपाल के वहां पर लगाए गए हैं, स्पेशल लाइटिंग की गई है और कुछ इसी तरीके से हर साल जन्मोत्सव मनाया जाता है। भव्य सजावट है और वहां देखने के बाद नजारा कुछ अलग ही नजर आता है। देखिए जो तस्वीरें आपने देखी वो कृष्ण जन्मभूमि के अंदर भागवत भवन से नीचे की तरफ जहां श्री कृष्ण का जन्म माना जाता है, जो जेल है बहुत पुराने वक्त से उसको इस तरीके से सजाया गया है, कटआउट द्वारपाल के लगाए गए हैं। चलिए और भी तस्वीरें आपको अलग अलग जगह की दिखाते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, ललित हमारे साथ चंडीगढ़ से बने हुए हैं, मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके साथ साथ पारस डामा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगी पारस आप ही तस्वीरें दिखाएं, कहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और वहां पर कैसी रौनक नजर आ रही है।
गुंजन, सबसे पहले कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और सारे दर्शकों को। मुंबई में हर साल जो दही हंडी का और कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार होता है, बड़े ही भव्य तरीके से मनाया जाता है। हम जानते हैं कि किस तरीके से मटकी फोड़ने के लिए बड़े बड़े थड़ लगाए जाते हैं और अलग तरीके से इसका प्रिपेरेशन होता है। जो गोविंदा पथक होते हैं वो 2 से 4 महीने पहले से तैयारियाँ शुरू करते हैं और बड़े बड़े जो थर हैं वो लगाते हैं और मटकी को फोड़ते हैं। उसके अलग अलग इनामी राशियाँ भी लोगों के लिए रखी जाती हैं। ऐसे में मुंबई के घाटकोपर इलाके में हम अभी मौजूद हैं। तैयारियां जो हैं वो यहां शुरू की गई है। मटकियों को जो है वो सजाया जा रहा है, जो बड़े बड़े स्टेज हैं वो सजाए जा रहे हैं यहां। हालांकि मुंबई में बहुत दिनों से बारिश नहीं थी, आज बारिश हो रही है तो थोड़ी सी जो तैयारियां हैं वो रुकी हुई हैं, मगर जैसे ही दिन आगे बढ़ता जाएगा वैसे तैयारियाँ बढ़ती जाएंगी। 10-10:30 के आसपास जो गोविंदा पथक है पूरे मुंबई से वो यहाँ पहुँचेंगे। क्रेन के सहारे मटकी को जो है वो बहुत ऊपर लटकाया जाएगा और उसके बाद जो गोविंदा पथक है वो उसको फोड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत भव्य नज़ारा होता है क्योंकि अलग अलग तरीके से कोशिशें की जाती हैं। 10 थर 12 थर 25 थर तक जो है वो लोग ऊपर तक चढ़ते हैं और मटकियों को फोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे में ये नज़ारा मुंबई में आपको हर साल देखने मिलता है। तैयारियां जो हैं वो थोड़ी सी अभी थमी हुई है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है, बट जब दिन आगे बढ़ेगा वहीं लोग यहाँ आना शुरू करेंगे, गोविंदा पथक आना शुरू करेंगे। और इसकी सबसे खास बात ये भी होती है क्योंकि तैयारियाँ बहुत अलग तरीके से की जाती हैं, प्रिपेरेशन बहुत ज़्यादा की जाती है, क्योंकि इतना ऊपर तक चढ़ना उसके बाद मटकी तोड़ना ये बहुत मुश्किल काम होता है। तो थोड़ी देर में तैयारियां भी शुरू होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी देर में वो तैयारियों की तस्वीरें भी आप दिखाइएगा और मैं आपके पीछे भी देख पा रही हूँ किस तरीके से मंच सजा हुआ है। और मुंबई की दही हांडी की चर्चा तो विदेशों में भी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया बहरहाल पूरी जानकारी आपको देने के लिए। मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, नोएडा के इस्कॉन में वो इससे पहले मौजूद थे। मनीष अभी दिखाएं क्या कपाट खुल चुके हैं, 8:30 बजे का समय आपने बताया था, किस तरीके से भक्तों में उत्साह है वो भी दिखाएं। बिल्कुल, देखिए कपाट खुल चुके हैं इस्कॉन टेंपल में और अब ये कपाट पूरा दिन रात 12:30 बजे तक खुले रहेंगे और दर्शकों की लंबी कतार यहाँ पर लगनी शुरू हो गई है। हॉल में अभी आप देख रहे हैं कि अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है, लेकिन बस सुबह हुई है। कई लोग ऐसे थे जो सुबह 4 बजे से यहाँ पहुंचे हुए थे और 8:30 बजे जब कपाट खुले उसके बाद दर्शन करने के बाद वो आगे बढ़े, और ऐसे ही दिन भर भक्तों का तांता यहाँ पर लगा रहेगा। तमाम सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। कहाँ से आए आप आज? हम गीता कॉलोनी से आए हैं। क्या तैयारी है आज जन्माष्टमी की? बहुत अच्छी तैयारी है जन्माष्टमी की। सबसे पहले हम इधर दर्शन करने आए हैं, फिर हम अपने घर में जाके अपने लड्डू गोपाल को सजाएंगे। क्या क्या करोगे आज दिन भर? क्या करूँगी? लड्डू गोपाल जी को सजाऊंगी। आज का दिन कैसे आप खास बनाने वाले हैं? क्या कुछ पकवान बनने वाले? आज हमारे भगवान जी का बर्थडे, हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है आज। हम इसे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं घर पे भी, इससे पहले हम दर्शन के लिए आए हैं। अरे बहुत अच्छा रहा, भगवान जी ने अपना दर्शन दिया हमें आज के दिन। बोल हरे कृष्णा। हमारा दिन बहुत अच्छा रहा आज का दिन। तमाम भक्त आप यहाँ देख पा रहे हैं, उनका उत्साह देख पा रहे हैं। आज दिन भर क्या कुछ करना है ये सब कुछ उन्होंने तय कर रखा है। अभी दर्शन के लिए आए हैं, फिर घर जाएंगे, वहाँ घर में जो लड्डू गोपाल है उनको तैयार करेंगे और दिन भर इस तरह का उत्सव का माहौल रहेगा। इस्कॉन टेम्पल में 5 लाख से ज्यादा भक्तों के पहुँचने की उम्मीद है, उसकी तैयारियां भी यहाँ पर की गई है। लेकिन रात 10 बजे के बाद से माहौल बिल्कुल कृष्णमय होने वाला है, क्योंकि प्रभु को आप देख पा रहे हैं बेहद मनोरम तरीके से उन्हें तैयार किया गया है। वृंदावन में खास तौर पर जो वस्त्र उनके लिए तैयार करवाए गए वो मंगवाए गए थे, उससे उन्हें सजाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, देखिए बहुत ही खूबसूरती के साथ कृष्ण को सजाया जाता है। और जैसा कि आपने जिन लोगों से बात की उन्होंने बताया कि घर पर अपनी विशेष तैयारी होती है, कुछ लोग व्रत रखते हैं और अपने लड्डू गोपाल को अपने छोटे बच्चे की तरह मानते हैं और उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। लौटूंगी आपके पास, ललित का रुख कर लेते हैं। ललित आप कहाँ पर मौजूद है, वहां पर भी तस्वीरें हमें दिखाई और भक्तों का उत्साह भी? बिल्कुल गुंजन, सबसे पहले तो आपको जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं और तमाम दर्शकों को भी। गुंजन, इस वक्त मैं सेक्टर 20 के मठ श्री कृष्ण मंदिर में मौजूद हूं और सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा दें यहां पर, जो तमाम
श्रद्धालु है वो भक्ति में इस वक्त पूरी तरह से लीन है। इंतजार किया जा रहा है कि एक बार कपाट खुले, क्योंकि अभी ठाकुर जी को सुबह का प्रसाद है वो दिया जा रहा है। आपको बता दें कि सुबह 4:30 बजे मंगला आरती के बाद है एक बार मंदिर की परिक्रमा और उसके बाद भजन कीर्तन हुआ था। क्या कुछ आज दिन भर होने वाला है, ज्यादा बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मंदिर के सेवादार भी मौजूद है, उन्हीं से बात कर लेते हैं। अगर हम आज दिन भर की प्रक्रिया की बात करें तो आज दिन भर ठाकुर साहब को किस तरह से, ठाकुर भगवान जी को कैसे कैसे भोग चढ़ाया जाएगा? सुबह जब 4:30 बजे मंगला आरती होती है, मंगला आरती के से पहले ठाकुर जी को एक बार भोग लगता है, उसको हम बाल भोग कहते हैं। फिर 4:30 बजे मंगला आरती, मंगला आरती के बाद फिर मंदिर परिक्रमा की जाती है। मंदिर परिक्रमा करने के बाद फिर यहाँ पर बैठकर थोड़ी देर कीर्तन होता है, कथा होती है। उसके बाद फिर ठाकुर जी का श्रृंगार होता है, श्रृंगार के बाद फिर ठाकुर जी का अर्चन होता है, अर्चन के बाद फिर ठाकुर जी को एक बार फिर दोबारा से भोग दिया जाता है। उसके बाद फिर ठाकुर जी का पट खुल जाता है सुबह 8 बजे करीब। आज तो जन्माष्टमी है तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है ठाकुर जी का श्रृंगार होने में। तो जो नॉर्मली डे में ठाकुर जी का पट 8 बजे जब खुलता है, 8 बजे खुलने के बाद फिर 11:30 बजे तक खुला रहता है, 11:30 बजे फिर ठाकुर जी का द्वारा दोपहर का भोग दिया जाता है। क्या आज शाम को ठाकुर जी को 56 जो भोग है वो भी चढ़ाया जाएगा, और इसके पीछे की कहानी बताइए, 56 भोग का क्या महत्व है? ठाकुर जी को आज रात को 12 बजे के बाद जब ठाकुर जी का अभिषेक होगा तो ठाकुर जी को 56 भोग चढ़ाया जाएगा। 56 भोग की जो प्रथा है, पीछे की जो कहानी वो ये है कि एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं और 8 पहर होते हैं, तो 3 घंटे का 1 पहर होता है। तो माता यशोदा ठाकुर जी को हर 3 घंटे बाद भोजन कराती थी। तो जब ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्व जब धारण किया तो 7 दिन 7 रात ठाकुर जी ने कुछ भी नहीं खाया। तो फिर सारे ब्रजवासियों ने ठाकुर जी को जो 7 दिन बाद 56 भोग दिया, क्योंकि 8 + 24 होता है एक दिन के अंदर देखा जाए तो 8 + 24 हो गया। और फिर जब 56 भोग दिया जाता है तो 8 × 7 = 56, इसलिए ठाकुर जी को 56 भोग दिया जाता है। बिल्कुल, तो ये थी ठाकुर साहब को जो 56 भोग के पीछे की जो प्रथा क्या है। लेकिन इससे पहले आप देख सकते हैं कि तमाम जो श्रद्धालु है यहाँ पर भक्ति में पूरी तरह से सराबोर है। अब इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही कपाट खुलेंगे इस भोग चढ़ाने के बाद, एक बार फिर से तमाम जो श्रद्धालु है वो ठाकुर जी के दर्शन कर पाएंगे। पूरे दिन भर में यहाँ ठाकुर जी को लगभग 7 बार है वो भोग है वो दिया जाएगा, और फिर दोपहर को 12:30 बजे के बाद ठाकुर साहब है वो शयन पे चले जाएंगे, और फिर से जो कपाट है शाम को 5 बजे के बाद है वो खुलेंगे। तो फिलहाल पूरी तरह से जो तैयारियां है बिल्कुल ललित, वो तस्वीरें भी आप दिखाइएगा जब कपाट खुलेंगे, क्योंकि जितना इंतजार वहां पर जो श्रद्धालु हैं उनको है, हमारे दर्शक जो इस वक्त हमें टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं उनको भी इंतजार होगा कि अलग अलग जगह पर कृष्ण की मनमोहक प्रतिमाओं को कितना ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है। लौटूंगी आपके पास, मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है भक्तों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, आपने जब पहले तस्वीरें दिखाई थी तो मैंने देखा था वहां पर रेड कार्पेट भी लगाई गई है, प्रसाद की किस तरीके से व्यवस्था है वो भी जरा बताएं। मनीष, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी जी, प्लीज अपना सवाल एक बार दोहरा दीजिए। मनीष, मेरा सवाल है कि जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है भक्तों की संख्या भी वहां पर बढ़ती जा रही है, प्रसाद को लेकर कुछ व्यवस्था वहां पर की गई होगी और जितने लोग आएंगे उनके मैनेजमेंट को लेकर व्यवस्था की गई होगी, वो थोड़ा सा बताएं। देखिए, व्यवस्था बहुत सारी की गई है, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। आप चारों तरफ ये सीसीटीवी कैमराज देख रहे हैं, इन कैमराज को लगाया गया है ताकि जो सिक्योरिटी है वो पूरी तरह से चार चौबंद रहे, कोई जेकटर ना घुसने पाए या फिर कोई ऐसा आदमी जो किसी गलत नियत के साथ मंदिर में प्रवेश कर रहा है। मंदिर के बाहर जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं, लगभग 1.5-2 किलोमीटर जो रास्ता है उस पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। अगर किसी को भी आना है तो वो अगर गाड़ी लेकर आ रहा है तो उसे घूम कर पीछे जो ऑथराइज पार्किंग है वहाँ तक जाना होगा। सुरक्षा के तमाम इंतजाम यहाँ किए गए हैं, लगभग 2500 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया है। शाम होते होते संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी। फिलहाल तस्वीरें याद रखिए किस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, वो तस्वीरें भी हम देखेंगे, लौटेंगे आपके पास। लेकिन नवजोत रंधावा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं मथुरा से। नवजोत, मथुरा का नजारा तो सबसे ज्यादा अलौकिक होता है, कहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं और क्या देख पा रही हैं मथुरा में?
चलिए हम आपको आज सबसे पहले कान्हा की नगरी मथुरा की नगरी की रंगत दिखा देते हैं। सबसे पहले तो ये तस्वीर देखिए, मैं आपको बताऊं ये इकलौता चौराहा नहीं है जहां पर कान्हा की मटकियां या फिर इससे जुड़े तमाम प्रतीक लगाए गए हैं। आज पूरी मथुरा नगरी अपनी गाड़ियों से उतरकर पैदल पूरी मथुरा नगरी हर कोई घूम रहा है। पहली तस्वीर ये है कि हर चौक चौराहों पर आपको इस तरह के गुब्बारे सजावट नजर आ जाएगी। छोटे छोटे पंडाल हर जगह पर बनाए गए हैं जहां पर भजन कीर्तन चल रहा है, कान्हा की लीलाओं का मंचन वहां पर हो रहा है। और इसके साथ ही साथ आप जरा एक और तस्वीर देखते जाइए कि सर पर गठरियां लिए किस तरीके से लोग दूर दराज के इलाकों से आए हैं और जहां पर भी उतरेंगे, चाहे वो बस अड्डा हो या फिर रेलवे स्टेशन हो, वहां से इनको पैदल ही कान्हा के जन्मस्थान तक का सफर पूरा करना है। इसके अलावा अब देखिए वही बात जो कहा जाता है कि मथुरा में लोग भले ही भूखे जगते हो लेकिन सोते भूखे नहीं है। और इसके साथ वो तस्वीर देखिए, एक टेंट जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये यहाँ पर भंडारा चल रहा है। ये टेंट आपको हर गली में नजर आ जाएंगे, हर गली चौराहे पर भंडारे की व्यवस्था की गई है। और आज मथुरा की नगरी जो कहा जाता है सच में दूध दही का खाना, भले ही उस हरियाणा को कहते हो लेकिन मथुरा में भी यही है कि कान्हा को दूध दही बहुत पसंद था। तो आज गली गली हर चौराहे हर चौक पर इसी तरीके से भंडारों की व्यवस्था की गई है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।